तो हे दोस्तों, आप देखो वी फोर दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा प्रोडक्ट दिखाने वाला हूँ जो कि मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा है, बहुत काम का लगा है, और जो कि है ये साइकिल कंप्यूटर या फिर बोलो साइकिल स्पीडोमीटर। तो जैसा कि हम लोगों की बाइक्स और स्कूटी में मीटर लगा होता है जो कि गाड़ी की स्पीड को दिखाता है, साथ ही ये भी दिखाता है कि गाड़ी कितने किलोमीटर चली है, और ये मीटर भी सेम वैसा ही काम करता है। ये दिखाता है कि साइकिल कितने किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चल रही है, साइकिल अभी तक कितने किलोमीटर चल चुकी है, और साथ ही टाइम को भी दिखाता है। ये आपको अमेजोन और फ्लिपकार्ट में मिल जाएगा, करीब 250 रुपये का आता है। मैं इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसे अच्छी तरीके से टेस्ट करने वाले हैं, इसे देखेंगे कैसे लगाते हैं और क्या मीटर सही बताता है या नहीं बताता है, सब कुछ चेक करने वाले हैं हम लोग इस वीडियो में। तो फटाक से पहले इस मीटर को पास से देख लेते हैं, फिर इसकी टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग ये देख लो, यहाँ पे इसके सारे फीचर्स लिखे हुए हैं, पीछे भी लिखे हुए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप लोग वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो ये है नायलॉन टाइस, इसका यूज मीटर को टाइट करने में होगा। ये वाला हिस्सा जाएगा पहिए के पास जो कि रीडिंग को स्कैन करेगा, और ये इसका होल्डर है मीटर का जो कि हैंडल पे लगेगा, और ये वाला हिस्सा लगेगा तीलियों में, और ये है फाइनली साइकिल कंप्यूटर। निकल जा भाई, ये देखो, ये मैंने पहले से ही सेट कर रखा है इसलिए यहाँ पे ऐसा दिखा रहा है, लेकिन जब ये बिल्कुल नया नया होगा तो उसमें ये सब नंबर नहीं आने चाहिए, तो हमें इसे रीसेट करना होगा। इसे रीसेट करने का तरीका यहाँ पे लिखा हुआ मैनुअल में, लेकिन मैं इसका सिंपली सेल निकाल लूंगा, सेल निकालते ही अपने आप ही रीसेट हो जाएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे सेल कहाँ पे पड़ा हुआ है। तो इसे यहाँ पे पीछे से ओपन कर लेंगे, ये ओपन हो जाएगा, और वो यहाँ पे सेल पड़ा हुआ है। मैं सेल को वापस लगा देता हूँ, ये सब कुछ जीरो वापस से हो गया। ये स्टार्टिंग है मीटर की, और ये साइकिल कंप्यूटर वाटरप्रूफ है ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसके साथ हमें मिलता है ये मैनुअल, जिसे पढ़ के हम लोग इस मीटर को सेट कर सकते हैं। तो इस मैनुअल को पढ़ना मत भूलिएगा इस मीटर को सेट करने से पहले। तो सबसे पहले ये हमसे साइकिल के पहिए का सरकमफेरेंस मांग रहा है, तो साइकिल के पहिए का सरकमफेरेंस कैसे निकालना है वो मैं आपको सैंपल के तौर पर बता देता हूँ। तो मान लो ये साइकिल की पहिया है, वैसे साइकिल की पहिया काफ़ी बड़ी होती है, यहाँ पे मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए बता रहा हूँ। तो साइकिल के पहिए पे सबसे पहले हमें एक जगह पे एक निशान लगा देना, किसी चौक से, या फिर यहाँ पे मैं बोरो प्लस का यूज़ कर रहा हूँ, ये आसान है। यहाँ पे मैंने हल्की सी बोरो प्लस लगा दी, उसके बाद हमें साइकिल की पहिया को चलाना है बिल्कुल सीधी सतह पे, एकदम सीधी लाइन पे। तो ऐसा करने पे हमें दो पॉइंट मिल जाएंगे कुछ इस तरीके से, एक पॉइंट पहला और एक बाद वाला। फिर हमें इन दोनों के बीच की दूरी को मिलीमीटर में नाप लेना है या फिर सेंटीमीटर में नाप लेना है, जैसे कि इसकी आई 36 सेंटीमीटर यानी कि 360 मिलीमीटर। और सेम इसी तरीके से हम लोग साइकिल के पहिए का भी सरकमफेरेंस निकाल देंगे। तो सरकमफेरेंस वही दूरी है जो कि साइकिल का टायर एक राउंड चलने में कवर करता है। तो मेरे साइकिल के पहिए का सरकमफेरेंस था 2050, तो मैं यहाँ पे 2050 इंटर कर देता हूँ। ओके, ये 5 चलाना है यहाँ पे, फिर ओके, फिर ओके, फिर किलोमीटर वाला में, हाँ ओके, फिर टाइमिंग सेट करने के लिए यहाँ पे 3 सेकंड दबा रखेंगे और फॉर्मेट लगाएंगे 12 घंटे का, ओके। और यहाँ पे टाइम हो रहा है इस टाइम पे 11:00, तो यहाँ पे मैंने टाइम वगैरह भी एकदम सही से सेट कर लिया है। तो अब मैं इस मीटर को साइकिल में फिट कर देता हूँ। तो मैंने इसके माउंट को हैंडल में लगा दिया है कुछ इस तरीके से, उसके बाद जो इसका वायर है ये यहाँ से निकल के गया है और ब्रिक के वायर के साथ साथ आगे वाले पहिए में नीचे तक मैं ले आया हूँ कुछ इस तरीके से, ये देखो। और जो इसका सेंसर है मैंने यहाँ पे फिट कर दिया है कुछ इस तरीके से, साथ ही इसका जो दूसरा वाला मैग्नेट है जो कि इसकी तीली में मैंने बिल्कुल सटीक तरीके से फिट कर दिया कि उसके बगल से होके गुजरे। और इसका जो मॉनिटर है, जो इसका कंप्यूटर है, मैं इसे यहाँ पे फिट कर देता हूँ कुछ ऐसे, और जब सब कुछ सही फिट होगा तो यहाँ पे स्कैनिंग लग जाएगा पहिया घूमते ही, और यहाँ पे छोटे छोटे पहिए भी घूमने लगेंगे गोल गोल। जैसे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे इस चीज़ को फिट करने में मुझे 2 घंटे लग गए, पता नहीं क्या हल्की सी गड़बड़ी आ रही थी कि स्कैनिंग लिख के ही नहीं आता, मैं बार बार हल्का सा ऊपर हल्का नीचे कर रहा था, पता नहीं क्या कर रहा था, लेकिन इन दोनों चीज़ों को लगाने में मेरी हालत ख़राब हो गई, लेकिन फाइनली जाके फिट हो गया। और हल्की सी मूवमेंट पे भी ये देखो यहाँ पे स्कैनिंग लिख के आ जाएगा, ये देखो। तो बड़े ही ध्यान से लगाना पड़ेगा, ये खराब नहीं है, लेकिन फिर भी इसको लगाना काफ़ी पेचीदा प्रोसेस था, बिल्कुल सटीक जगह पे लगाना होगा तभी यहाँ पे स्कैनिंग लिख के आएगा। आप लोग इसे कुछ इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं कि आपका मीटर सही है या खराब। मैं इसे यहीं पर स्कैन करवा देता हूँ,
ये देखो मैं इसके पास ले जा रहा हूँ और इसे लग रहा है कि साइकिल घूम रही है। और देखो रीडिंग भी कुछ आ रही होगी, 14 किलोमीटर 15 किलोमीटर। मैं तेज तेज घुमा रहा हूँ और स्पीड और भी बढ़ गई। तो ये देखो इस तरीके से हम लोग इसे टेस्ट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी मेरे पास एक हाथ में मोबाइल फ़ोन है और एक हाथ से मैं साइकिल चला रहा हूँ। और भाई 8, 9, 11 जब मैंने बिना मोबाइल फ़ोन के साइकिल चलाई थी तो मैं इसे 30 चक की स्पीड तक ले गया था, लेकिन अभी क्योंकि एक हाथ से चला रहा हूँ तो मैं यहाँ पे इसे बहुत सावधानी से 20 तक ही ले जा पा रहा हूँ। लेकिन देखो मीटर बहुत सही काम कर रहा है और काफ़ी मस्त लगता है कि साइकिल में भी मीटर लगा हुआ जिसमें कि हम लोग स्पीड देख सकते हैं। 21 पहुंच गया है और काफी सही चीज है ये। 22, अब मैं स्कूटी पे हूं और बगल में साइकिल है, आप लोग देख सकते हैं एकदम सेम स्पीड दिखा रहा है। 200 इस तरीके से मैंने चेक किया कि जो हमारा मीटर है काफ़ी एग्जैक्ट रीडिंग बता रहा था। मैं बगल में स्कूटी चला रहा था और आप लोग देख सकते हैं जो स्कूटी में मीटर की रीडिंग थी वही रीडिंग साइकिल की मीटर में भी थी। तो इस तरीके से हमने ये भी चेक कर लिया कि जो मीटर रीडिंग बताता है वो काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट और सही बताता है। तो ये बात मुझे काफ़ी अच्छी लगी इस मीटर की। दोस्तों मुझे तो प्रोडक्ट काफ़ी सही लगा, आपको कैसा लगा कमेंट में बताना। वैसे अमेजोन और फ्लिपकार्ट में इसका जो रिव्यूज है कुछ खास नहीं है, मुझे लगता है जो मैक्सिमम लोग हैं इसे ठीक तरीके से लगा ही नहीं पाए होंगे जिसकी वजह से मीटर चला ही नहीं होगा, तभी उन लोगों ने लिख रखा कि उनका मीटर चल नहीं रहा है। मेरे साथ भी दिक्कत आई लेकिन थोड़ा सही हो गई झेलने के बाद। तो मैं आपको इसकी अमेजोन और फ्लिपकार्ट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपको लेना होगा तो आप लोग ले सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब के बेल आइकन जरूर से दबा देना ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग प्रोडक्टिव वीडियोस के लिए। तो भाई इस वीडियो में बस इतना ही।